स्मार्ट सिटी बनने की रेस में शामिल भागलपुर शहर स्मार्ट तो नहीं बन पाया, परंतु पूरे शहर में कूड़े कचरों का अंबार जरूर लग गया। हर वार्ड में गंदगी इस तरह फैली हुई है कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब से सफाई एजेंसी नगर निगम में आई है और उन्हें शहर के सफाई का जिम्मा दिया गया है। तब से भागलपुर शहर कूड़े कचरों का शहर बन गया है, जिसके चलते भागलपुर में मच्छर जनित रोग, चाहे वह डेंगू बीमारी हो, मलेरिया हो या फिर कोई अन्य बीमारी, काफी तेजी से फैलती जा रही है। शहरवासियों को डेंगू अपने आगोश में लेता चला जा रहा है, लेकिन सफाई कर्मी अभी भी सचेत नहीं हो रहे। इसको लेकर आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में सभी 51 वार्डों की आवश्यक बैठक बुलाई गई। भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर में जो सफाई एजेंसी आई है, उस सफाई एजेंसी ने पूरे शहर को गंदा करके छोड़ दिया है, कचरा से भरा शहर बनाकर रख दिया है। ना सफाई हुई, ना ही जल जमाव से राहत मिली, ना ही नालों की उड़ाई, कुल मिलाकर शहर को सफाई एजेंसी ने नर्क बनाकर छोड़ दिया है। सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा, जनता की शिकायत लगातार पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर के पास आ रही है। शहर के लोग गंदगी से त्रस्त है, इसी बाबत यह अहम बैठक की गई है और हम सबों ने मिलकर निर्णय लिया कि अगर सफाई एजेंसी या तो सुधर जाए या शहर की सफाई सही तरीके से करे, अन्यथा यहां से चली जाए। अगर ढंग से कार्य नहीं करती तो उसे शहर से रास्ता दिखाने के लिए हम लोग विचार करेंगे। मेयर महोदया के नेतृत्व में सभी 51 पार्षदों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। भागलपुर में जो सफाई एजेंसी आई है, उस सफाई एजेंसी ने भागलपुर को सफाई करने के लिए उस कंपनी को लाया गया था, उस शहर को गंदा करने में लगी है और सफाई के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता की शिकायतें लगातार पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर के पास आ रही है और गलियों में जो है कूड़ा पसरा हुआ है, उसी को देखते हुए आज हम सभी पार्षदों ने मेयर और डिप्टी मेयर के साथ बैठक की है। हम सभी वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर ने इस बैठक में यह निर्णय लिया जा रहा है कि यह कंपनी या सुधर जाए या चली जाए। सुधरेगी नहीं तो जाने का क्या रास्ता अख्तियार करना होगा, उस पर गहन मंथन वार्ड पार्षद और मेयर डिप्टी मेयर के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी पार्षद एकजुट होकर, क्योंकि हमें जनता चुनकर भेजी है और जनता 33% मेयर, 33% डिप्टी मेयर, 33% पार्षद की भागीदारी है, क्योंकि तीनों को वोट मिला है, जनता तीनों को पूछ रही है। इसीलिए तीनों हम मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद चिंतित हैं। इस भागलपुर के जनता की जो समस्या है, उस जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए आज आवश्यक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुझे लगता है कि आज कुछ अमृत निकलने वाला है। भागलपुर की जनता के हित में आज सभी पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर काम कर रहे हैं। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सह विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया गया। रोहित पांडे ने बताया कि विद्या के इस मंदिर में इस प्रकार का कुकृत्य किया गया, ऐसी घटना ने पूरे भागलपुर को शर्मसार करने का कार्य किया है। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर मामले की लीपापोती कर रही है, यह काफी निंदनीय है और इससे आज भागलपुर के सभी
आम जनमानस आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। इस मामले में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि दल से ऊपर उठकर ऐसे कुकृत्य का एक साथ खुलकर विरोध करना चाहिए, ताकि आगे विद्या के मंदिर में कोई ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न करे और भविष्य में हमारे भागलपुर की गरिमा धूमिल न हो। हमारी मांग है कि इस मामले का स्पीडी जांच करते हुए मामले में स्कूल प्रबंधन की संलिप्तता की जांच कर सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। विगत दिनों जिस प्रकार भागलपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जोसेफ में जिस प्रकार से एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार की जो घटनाएं घटित हुई है और उसमें दो शिक्षक का नाम आया है, और ये घटना केवल ये कुछ दिन पहले की नहीं है, जबकि जैसा संज्ञान में आया है कि विगत कई दिनों से उस छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, और जो मीडिया के माध्यम से प्रेस के माध्यम से जो पता चला है कि शायद उनके अभिभावक ने पहले भी इस मामले में कंप्लेन दर्ज कराया था विद्यालय के अंदर, लेकिन विद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई थी, और जिसके कारण वहाँ के शिक्षकों का मन बढ़ते गया और उन शिक्षकों ने जो इधर हाल के दिनों में जिस प्रकार के दुर्व्यवहार की घटनाएं की और फिर उसे पीड़ित होकर और जो मामला बाहर आया है, यह बहुत ही निंदनीय है और यह पूरे समाज के लिए यह शर्मनाक है। और इस पूरे घटना में जिस प्रकार उन दो शिक्षकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, यह केवल एक लीपापोती दर्शाता है। क्योंकि शिक्षक को तो ठीक है गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसमें पूरी संलिप्तता कहीं ना कहीं उस विद्यालय के पूरा जो प्रशासन के लोग हैं, जो विद्यालय प्रबंधन के लोग हैं, कहीं ना कहीं इसमें उनकी संलिप्तता है। एक तो प्राइवेट स्कूलों में इतनी मोटी फीस ली जा रही है और उस फीस में सुरक्षा का क्या इंतजाम किया जा रहा है, यह हम गार्जियन कभी इस डर से नहीं पूछते हैं या ये करते हैं कि वहां से हमारे विद्यार्थियों का नाम काट दिया जाएगा। लोग इतना भयादोहन वहां के विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अभिभावकों के साथ किया जाता है कि अभिभावक इस डर से किसी भी गलत घटना को सामने लाने से डरते हैं कि हमारे बच्चे का नाम काट दिया जाएगा उस स्कूल से, तो इस नाते जो है वह उस विषय को लाने का भी काम नहीं करते हैं। भागलपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर नगड़पाड़ा गांव स्थित एक ऐसा कुआं है जो पौराणिक इतिहास व सभ्यता संजोए हुए है। ऐसा कुआं जो मुगल कालीन है और सैकड़ों वर्ष पुराना है। सक संवत 1634 ईस्वी में इस कुएं का निर्माण तत्कालीन चंदेल वंश के राजा गौर नारायण सिंह ने करवाया था। यह बिहार में सबसे बड़े कुएं के रूप में जाना जाता है। बरसों पहले जब कुआं की सफाई हुई तो राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की प्रतिमा सहित कई छोटी छोटी तांबे की प्रतिमा निकली थी। इस पानी की खासियत है कि इससे घेगा रोग दूर हो जाता है। पानी में आयोडीन की मात्रा होने से यह रोग खत्म होता है, इसलिए यहाँ भागलपुर, खगड़िया, बांका समेत आसपास के लोग पहुँचते हैं और इस पानी का सेवन करते हैं। बताया जाता है कि पूर्व में इस कुएं में 7 रंग में पानी बदलता था, और सबसे खास बात कि सैकड़ों वर्ष इस पुराने कुएं का पानी कभी सूखता ही नहीं, बल्कि जब 1934 में भूकंप आया और भीषण तबाही हुई तब भी कुएं को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं बरसों से तारनहार की बाट जोर है इस कुएं का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन कुआं का निरीक्षण करने पहुंचे तो इसके पौराणिक इतिहास, इसकी गोलाई, चौड़ाई और गहराई देखकर चौंक गए और इसके कायल हो गए। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को यहाँ बेहतर साजो सजावट, लाइटिंग के निर्देश दिए ताकि जो लोग पहुंचे वो आकर्षित हो और इसकी महत्वता बरकरार रहे। ग्रामीण बताते हैं कि जब चापाकल नहीं हुआ करता था तब इस कुएं पर पूरे गांव व आसपास के लोग आकर पानी भरकर जाते थे। हरिजन हो या राजपूत हो या ब्राह्मण, कोई भेदभाव नहीं था। कड़िया उनके लिए अलग थी, लेकिन उन्हें पानी भरने दिया जाता था। जिस समय मुगल काल का शासन था उस समय से कुआं, अंदाज है कि लिखावट के अनुसार इस कुएं का निर्माण उसी समय में हुआ है। साकी 1634, संबत 1770, और ईस्वी तो नहीं दिया हुआ है, ईस्वी तो नहीं दिया है, इसके अनुसार निकालना है। ऐतिहासिक यही है और इसका खूबी यही है पानी का, कि पानी का पीने से गला रोग जो है
घेघा रोग वो दूर हो जाता है। वो जिस समय एक बार इसमें सरकारी की तरफ से झारना उना होता था, उसे कभी बाला तो कभी कुछ ऐसे मिट्टी का बर्तन, कुछ धातु का भी बर्तन, ये सब निकला था। 4,28,000 का एस्टिमेटिंग था, 2021 का एस्टिमेट बना हुआ था। ये काफ़ी लंबा चौड़ा कुआं है और मैंने जीर्णोद्धार के लिए जहाँ तक होता था मैंने प्रयास किया कि, और जनता का था कि इसको सफाई किया जाए, ये डिमांड था और कार्ड निकाला जाए। लेकिन जिस समय हमें इसका आदेश मिला था डीएम ऑफिस से, तो वो उसके बाद जब मिला था चिट्ठी हमें आते आते जो आने में 15-20 दिन के बाद मिली। फिर मैंने इसके अंदर जितना भी अंदर का काम पहले करवाया, प्लास्टर करवाने के लिए और प्लास्टर झाड़ करके अंदर काम करवाना 1-1.5 महीना लगा। काफ़ी बारीकी काम था और रिस्की काम था और मैंने काम करवाया। काम करवाते करवाते जब मैंने पानी खींचने काम किया तो फिर पानी का लेयर बढ़ता गया, पानी खींचे दिन भर खींचे शाम को पेड़ बढ़ जाता था। हाँ, ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना कुआं बताया जा रहा है और ये जब हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने इसका एक एस्टीमेट बनाया और जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो है एक पुरानी जो धरोहर है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है उससे इसको संरक्षित रखने में काफ़ी सुविधा होगी। नई संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पास हुआ। बिल में 15 साल के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया है। गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जब भी लागू होगा तब से 15 साल तक रहेगा, जिसे संसद बढ़ा सकती है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद भाजपा की महिला मोर्चा के द्वारा भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की महिला प्रकोष्ठ की दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। सबों ने एक दूसरे को गले मिलकर रंग गुलाल लगाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भागलपुर सभी लोग हम लोग नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, खुशी इजहार करने के लिए आए हैं कि रंग गुलाल मिठाई एक दूसरे को देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो उपहार दिया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित करने का जो उन्होंने ये हम महिलाओं को दिया है कि हम महिलाएं आगे आएं, घर से निकल कर आगे आएं। उन्होंने हमेशा घर से लेकर बाहर तक हम महिलाओं के बारे में सोचा है। उन्होंने हमें उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए शौचालय, ऐसी कई सारी योजनाएं देकर हमें जो इज्जत दिया है, हमें जो आगे बढ़ाने का, घर से निकलने का जो काम किया, हम सभी उनको बहुत बहुत आभार करते हैं। सभी महिलाओं की तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक बिल पेश किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह बिल पारित भी होगा और राज्यसभा में भी पारित होगा, हम महिला मोर्चा की तरफ से, महिलाओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार से गणेश चतुर्थी के दिन और तीज के पारण तीज के दिन कैबिनेट में इस बिल को लाया गया और पारण के दिन ये हम लोग खुशी लेकर यह बिल आया है, हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, आनंद का विषय है। जिस प्रकार से लगभग 27 वर्षों की लंबी मांग चली आ रही थी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, आज हमारी भाजपा सरकार ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया है और भारत की नई संसद में मातृशक्ति को वंदन करते हुए यह महिला आरक्षण विधेयक हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है और इससे हम सभी लोग अपने आप को सशक्त महसूस कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि आने वाला समय मातृशक्ति को आगे करके पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु फिर से कहलाएगा। हम इसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल की 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एबीवीपी ने मंगलवार को विरोध जताया था। कार्यकर्ता स्कूल के प्रिंसिपल और फादर का पुतला दहन करने के लिए पहुंच गए। इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो ललमटिया थानाध्यक्ष, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बल लेके पहुंचे और छात्र नेता कुणाल पांडे और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट की मदद से छोड़ भी दिया गया। इसी बाबत आज सेंट जोसेफ स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास के विरोध में दोषियों और संरक्षणकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग एवं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई द्वारा स्थानीय खलीफाबाग चौक पर जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस अपना काम नहीं करके स्कूल प्रबंधन से मोटा रकम लेकर गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग इस तरह यहाँ की बेटी की अस्मिता पर आँच आने नहीं देंगे, जो दोषी है उस पर जल्द कार्रवाई हो। जैसा कि पुतला दहन करने गए थे प्रिंसिपल का, वहाँ के प्राचार्य का, लेकिन वहाँ प्रशासन द्वारा उनको बड़े पैमाने पर स्कूल को संरक्षण दिया जा रहा था। बताइए कि आज लोकतंत्र में क्या पुतला दहन करने को सम्मान नहीं है? पुतला दहन करने कोई जाता है, आवाज़ उठाने कोई जाता है तो वहाँ आवाज़ को दबाया जाता है। मामला है कि छात्राओं के साथ किस तरह से दो शिक्षकों ने मिलकर बलात्कार का प्रयास किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद जब आवाज़ उठाने जाती है तो वहाँ पुलिसिया गुंडों के द्वारा हमें रगेदा जाता है, भगाया जाता है, और उसके बाद हम लोग जब नहीं वहाँ से हटे, अपने स्वाभिमान पर खड़े रहे तो हमारी गिरफ्तारी हुई। हम नहीं डरते हैं जिला प्रशासन महोदय आपके इस पुलिस से और इस पुलिसिया गुंडे से। हमें न्याय चाहिए और न्याय नहीं जब तक मिलेगा तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आज जिला प्रशासन का पुतला दहन करके हम मांग करते हैं कि जो विश्वविद्यालय थाना प्रभारी जिन्होंने बदले की भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई की है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन्हें निलंबित किया जाए। और वैसे प्राचार्य जो कि सीसीटीवी के माध्यम से जिस सारे घटने की मॉनिटरिंग करते रहे लेकिन अपने शिक्षकों को निलंबित नहीं किए, वैसे प्राचार्य पर कार्रवाई करने की विद्यार्थी परिषद मांग करती है। आगे क्या करेंगे अब आप? आगे हम लोग अभी हम लोग कल डीएम से भी मिलेंगे, डीएम को आवेदन देंगे, आवेदन बड़े पैमाने पर बड़े संख्या के साथ हम लोग जाकर डीएम को आवेदन देंगे, डीएम महोदय को भी हम जाकर सारी बातों से अवगत कराएंगे। अब हमारा उनके साथ साथ प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने के साथ साथ मेरा कार्रवाई विश्वविद्यालय थाना प्रभारी पर भी करना पड़ेगा, इनको ये हमारी मांग है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के सफाई कर्मियों ने मंगलवार की सुबह सफाई व कूड़ा उठाने से इनकार कर दिया था, जिससे वार्ड नंबर 14 से 32 तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मियों ने अचानक हड़ताल कर दी थी, जिसका मुख्य कारण था कि एजेंसी ने पिछले एक माह 17 दिन से मानदेय नहीं दिया था, उसको लेकर सभी सफाई कर्मी ने आंदोलन किया था। इसको लेकर आज सफाई कर्मियों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद सफाई कर्मियों में काफी खुशी की लहर है। अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर करते दिखे, साथ ही सबों ने नगर आयुक्त, मेयर और उप मेयर का धन्यवाद दिया। के माध्यम से मैं महापौर महोदया और नगर आयुक्त महोदय और डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन साहब, इन तमाम लोगों को और विनय प्रसाद यादव, मनोज चौधरी जोनल प्रभारी हमारे, और आदित्य जायसवाल जो हमारे स्वास्थ्य का प्रभारी हैं और हमारे एजेंसी, ये तमाम लोगों के बीच बातें हुई और उन्होंने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों को तमाम सफाई कर्मचारियों को वेतन देने का कार्य किया। इसके लिए मैं इन सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कर्मचारियों में रोष थी, पेमेंट नहीं हुई, कंपनी को थोड़ा समझने में टाइम लगा और पहला मंथ था, इस वजह से सारे लोगों का शेड्यूल बनाने में उनको वक्त लग गया, इस वजह से थोड़ा पेमेंट में डिले हुई। और अब जो बात हुई है एजेंसियों से, और उन्होंने कहा कि मैंने महीने के 7 तारीख या 10 तारीख तक के अंदर में भुगतान आप लोगों को किया जाएगा। बहुत खुश है जी, काफ़ी खुश है और हमारे तमाम सफाई कर्मी खुश हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने मिठाई खिलाया, इस तरह से हम लोग काफ़ी खुश हैं। अब तमाम कर्मी खुश बहुत हैं, इसलिए कि कल तक में तो वेतन सुबह से दस बजे तक नहीं मिला गया था, और हमारे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी हमारे नगर आयुक्त के श्वासन पर सभी दैनिक कर्मियों को वेतन भुगतान हो गई, ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अंततः ये लोग को तनख्वाह नहीं मिली है, जैसे काफ़ी कष्ट दिक्कत हुआ था एजेंसी वाले आने से, मगर जब हमारे नगर आयुक्त और हमारा जो पदाधिकारी लोग हैं, इन लोग का, हमारे मेयर साहबा, इन लोग का प्रयास से सभी कर्मियों को वेतन भुगतान हो गई है। इस खुशी में सभी कर्मियों अपने अपने कार्य पर लौटेंगे और संतोषजनक कार्य करेंगे।
भागलपुर के विभिन्न जगहों पर भगवान गणेश की प्रतिमा वेदी पर स्थापित हो गई। भगवान गणेश का विधिवत तरीके से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसको भोग लगाया गया। शहर में 40 जगहों पर गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह पंडाल बनाकर गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा हो रही है। भक्तों में काफी उत्साह है। सिकंदरपुर, भीकनपुर, रामसर, बूढ़ानाथ, खंजड़पुर, जरलाही, पर्वती, नाथनगर के अलावा सबौर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। इस बार सोनापट्टी शर्मा चौक पर 61 किलो सुपारी से प्रतिमा बनाई गई। प्रतिमा को अम्बई के रंजीत पंडित ने तैयार किया है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी गणेश पूजा धूमधाम से की जा रही है। दक्षिणी क्षेत्र स्थित वारसलीगंज में मां शेरावाली क्लब की ओर से भगवान गणेश को 211 किलो का लड्डू का भोग लगाया गया। वहीं कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिषद के सामने, आपदा प्रबंधन के कार्यालय के सामने अवैध रूप से दुकान बनाकर वर्षों से अतिक्रमण किए दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट और जगदीशपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर से 4 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जानी है। वहीं अभी एक दुकान को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।